किस प्रकार से कृषि के बारे में, भारत अर्थव्यवस्था के बारे में विद्यार्थियों को समझ विकसित होगा। तो विद्यार्थियों को समझना चाहिए, केवल किताबी ज्ञान, किताबी कीड़ा नहीं बनना चाहिए, किताब से ही जुड़ा हुआ नहीं रहना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 इस बात को बहुत ही क्लियर कर देता है कि किताब एक जरिया है पढ़ने लिखने के लिए, समझने के लिए। ब्लैक बोर्ड एक जरिया है, स्कूल फुल एंड फाइनल नहीं है। जब व्यक्तित्व का विकास होगा, ज्ञान एक क्वालिटी एजुकेशन होगा, गुणवत्तापूर्ण जब शिक्षा का बात होगा, तो इसमें बहुत सारा विरोध भी होगा, बहुत सारे लोग विरोध करेंगे। जो बात को समझेंगे, जो टीचर इस बात को समझेंगे, जो विद्यार्थी इस बात को समझेंगे, या जो लोग इस बात को समझेंगे, उसका समर्थन करेंगे और उसको अपनाएंगे। क्योंकि इसको समर्थन करने से, समझने से, अपनाने से ही उसका खुद का हित है और दूसरे लोगों का भी हित है, और इस देश के, और देश का, देश के लोगों का हित है और देश का हित है। लेकिन जो व्यक्ति नहीं समझेंगे तो फिर समस्या है, फिर वहां पर समस्या उसको उत्पन्न होगा, साइंस ऑफ इकोनॉमिक्स उसको प्रभावित करके छोड़ेगा। तो किताबी कीड़ा बनने से कुछ नहीं होने वाला है, केवल स्कूली शिक्षा से कुछ नहीं होने वाला। स्कूल के चक्कर में खाली पढ़ने से व्यक्तित्व का क्या नहीं हो सकता है। जब डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बनना है, बड़ा सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है, जिंदगी में कामयाब होना है, तो लकीर के फकीर बनना तो छोड़ना ही पड़ेगा, कुछ अलग तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि अलग अगर करोगे तो अलग मिलने वाला है। लोगों में व्यक्तित्व में वो क्षमता डेवलप होगा जब अधिकतर लोग मारे जाएंगे, अधिकतर लोगों के पास संकट होगा, चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम नहीं होंगे अधिकतर, तब वही व्यक्ति अपने जीवन की चुनौती का सामना कर पाएगा, अपने आप को सर्वाइव कर पाएगा, जीव को उपार्जन कर पाएगा, या अपने जिंदगी में मकसद में सफल हो सकता है। चाहे किसी प्रतियोगिता परीक्षा में, कॉम्पिटिशन में हो, किसी बिजनेस में हो, सक्सेस होना है जब वो लीक से हटकर सही एजुकेशन प्राप्त करेगा। 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति बिल्कुल कहता है कि स्कूली शिक्षा का विरोध होगा, मतलब स्कूली शिक्षा का विरोध कीजिए। ब्लैक बोर्ड में पढ़ने वाला जो अध्ययन अध्यापन का परंपरागत पद्धति चलते आया है, रटोदो विद्या, खाली किताब से ज्ञान रटना रटाना और बुद्धि का विकास न करना, चिंतन मनन का कैपेसिटी विद्यार्थियों में न करना, एक्सप्रेशन न होना, व्यक्तित्व का विकास न करना, यह पढ़ाई बाद में चल के बर्बाद और बेकार होने वाला है। चाहे व्यक्ति चाहे कितना ही मार्क्स ले आए, फर्स्ट क्लास की नहीं हो, चाहे फर्स्ट क्लास क्यों नहीं हो जाए, टॉपर क्यों नहीं हो जाए, मैट्रिक में, इंटर में, पीएम में, ग्रेजुएशन में, वो जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकता है, बहुत ही मुश्किल है। और किसी प्रकार से लटक के कोई एग्जामिनेशन पार, अगर टप पार कर जाए और एग्जामिनेशन में सक्सेस हो भी जाता है, चाहे वो आईएएस आईपीएस ही बन जाता है, कोई बड़ा से बड़ा अधिकारी बन जाता है, तो वहां पर सही रूप से उस पद का, उस पद के साथ वह न्याय नहीं कर पाएगा, जस्टिस नहीं कर पाएगा, वह लोगों का नुकसान करेगा और अपना भी भला नहीं कर पाएगा और अपना देश का भी भला नहीं कर पाएगा। इसलिए खुला एजुकेशन होना बहुत ही जरूरी है, चाहे वह जिस लेवल के लोग हो, जिस लेवल का विद्यार्थी हो, छोटे लेवल का विद्यार्थी हो या बड़े लेवल का विद्यार्थी हो, छोटा लेवल का सर्विस हो या बड़ा लेवल का सर्विस हो, दिमाग का बत्ती जलना बहुत ही जरूरी है, चिंतन मनन का विकास होना बहुत ही जरूरी है, कॉन्सेप्ट होना बहुत ही जरूरी है, वरना खाली रटने से, क्वेश्चन आंसर रट लेने से, ऑब्जेक्टिव रट लेने से, मास डिग्री ले आने से ना ही बुद्धिमान बन जाता है और ना ही जो चुनौती है, वर्तमान चुनौती, उसका सामना करने का लायक बनेगा। क्योंकि यह वर्ल्ड जो है, पृथ्वी घूमती है, डायनेमिक है और समय के साथ यह पृथ्वी घूम रही है, और दुनिया का जो परिदृश्य है, अर्थव्यवस्था है या सिचुएशन या भू आकृति है, हर चीज में परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। क्योंकि व्यक्तित्व इस प्रकार का विकास नहीं करेगा, पढ़ाई इस प्रकार का नहीं होगा, तो वह आने वाला समय में जो चुनौती आएगा, जो मुश्किल आएगा, उसका सामना नहीं कर पाएगा। इस प्रकार का चुनौती जो देश के सामने आएगा, उसका समाधान नहीं कर पाएगा, उसका हल नहीं कर पाएगा। और इसका एक ही उपाय है, इस प्रकार से व्यक्तियों को ट्रेन करना है और पढ़ाना है, तभी यह देश मजबूत होगा और यह देश अपना रक्षा कर सकता है। और जब देश अपना रक्षा कर पाएगा, देश मजबूत होगा, देश सुरक्षित होगा, तो इस देश के सभी नागरिक सुरक्षित होंगे। इस बात को याद रखना जरूरी है कि देश अगर कमजोर होगा तो सभी व्यक्ति कमजोर हो जाएंगे, और यहाँ के व्यक्ति और नागरिक कमजोर रहेंगे तो देश कमजोर हो जाएगा, क्योंकि दुनिया बैठा नहीं है। भारत का भी नेस्तो नाबूद करने के लिए, भारत को भी सर्वनाश करने के लिए लगा हुआ है दुनिया के बहुत सारे देश, चाहे वह सब तरीके से हो या हर तरीके से हो, डायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट हो। तो डायरेक्ट हम लोग देख रहे हैं आज भारत के साथ अंतरराष्ट्रीय जो समस्याएं हैं, चीन का जो खतरनाक प्रभाव, जो विश्व दादागिरी है भारत के ऊपर, जो भारत के ऊपर जो सवार है, जो पाकिस्तान का किरकिरी है, और इसके साथ ही इंटरनेशनल इकोनॉमिक दबाव, जो दुनिया के हर देश का दबाव दुनिया के हर देश में है,
ये मैं पक्षपात वाला बात नहीं कर रहा हूँ, एक इकोनॉमिक्स का सिद्धांत है। हर बड़ी मछली छोटी मछली को खा रहा है, निगल रहा है। तो एक ऐसा हल देश के लिए ढूंढना पड़ेगा, देश के सभी नागरिकों के लिए ढूंढना पड़ेगा। तो वैसा एजुकेशन सिस्टम समझना पड़ेगा, हर एनसीईआरटी के बुक में पहला दूसरा पन्ना में दिया रहता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, इसको समझना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा। यही दायित्व है टीचरों का कि ये चीज से बताए, पढ़ाए, मार्गदर्शन करे, गार्जियन को पढ़ाए और बच्चे खुद पढ़े, देखे राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है। हर एनसीईआरटी की बुक में या सभी जगह मिलेगा, इंटरनेट में भी सर्च मारिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 और अभी लेटेस्ट राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी देख सकते हैं 2020 क्या कहता है। लकीर के फकीर से हटकर सीखने सिखाने का तरीका होना चाहिए। और ये जो रटन टू रॉट लर्निंग है, इसका पूरा खुल्लम खुल्ला विरोध भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है। जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान सर, शिक्षा मंत्रालय और देश के सभी जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो देश के सभी बुद्धिजीवी वर्ग है, इसको स्वीकार किए हुए हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। और जितने भी आईएएस आईपीएस मंजे हुए हैं इस चीज को समझ रहे हैं और एक ही हाल है इस देश के लिए, इस देश के युवाओं के लिए, नहीं तो यहाँ के युवा बर्बाद होंगे ही, शोषण होगा ही, नौकरी मिलने वाला नहीं है, रोजगार मिलने वाला नहीं है। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रॉबोट फिल्म में देख लिए कि रॉबोट ने किस प्रकार से उत्पात मचाया है। अब इस प्रकार के जो रोबोट, अलग अलग प्रकार के रोबोट अब आने वाले हैं और अलग अलग सेक्टर में अलग अलग लोगों के साथ उत्पात मचाने वाले हैं। और यह रोबोट अटैक कहीं भी करेगा, किसी को भी करेगा, हमें भी करेगा, आपको भी करेगा। तो तैयार रहना है, इस देश के नागरिकों को तैयार रहना है इस प्रकार के जो विलेन रोबोट है, जो क्रिमिनल रोबोट है, उससे अपना रक्षा करने के लिए, इस देश का रक्षा करने के लिए या व्यक्ति को अपना खुद का रक्षा करने के लिए नहीं तो झेलना पड़ेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या रोबोट, यह क्रिमिनल या विलेन रोबोट कई प्रकार से हो सकते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, दिख सकता है या नहीं दिख सकता है, ज्ञान से समझ सकते हैं। मतलब लोगों का रोजगार छीना जा रहा है, जॉब छीना जा रहा है, जॉब को लेना बहुत ही मुश्किल है। जॉब मिलेगा, नौकरी मिलेगा तो पैसा मिलेगा बहुत ही कम, बहुत ही मतलब घटिया, जिससे कुछ नहीं होने वाला, नाम का काम, काम का काम, काम का जॉब, नौकरी नहीं, बिल्कुल बेकार। तो इस देश को पावरफुल बनाना है, बिल्कुल बन सकता है, एक ही चीज है, क्या है, वह एजुकेशन। चैन से सोना है तो जाग जाओ, पढ़ना शुरू करो, पढ़ाने दो। तो इस प्रकार के बहुत सारी चीज है इस टॉपिक में, स्टोरी ऑफ पालमपुर में। तो इसको समग्रता से समझ लिया जाए तो सारा क्वेश्चन स्कूल का तो हो ही जाएगा, कॉलेज का भी हो जाएगा और सारा भारत के चाहे किसी भी कंपटीशन में जहां पर इंटरव्यू होता है, चाहे वह कोई भी एग्जामिनेशन हो, आईएएस आईपीएस तक, स्टेट पीसीएस तक हो, मुहाधरा के दौर, ये सब टॉपिक, ये सब बात बोलिए और मैंने जो बता दिया है, जो पढ़ा दिया है, उसको लिखिए, पूरा मार्क्स मिलेगा और सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व होने वाला है और सारा मेंस रिटर्न, राइट, मेंस में रिटर्न भी लिखिए, एकदम जबरदस्त कलम चले, सारा बात असोसिएट कर लिख दीजिए और आपका कामयाब होने से कोई रोक ही नहीं सकता, कोई माइकल लाल हो रोक ही नहीं सकता है। ये वर्ल्ड स्टैंडर्ड का कंटेंट दे दिए, एनसीईआरटी स्टैंडर्ड का कंटेंट हम दिए हैं, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय यूपीएससी स्टैंडर्ड का ये कंटेंट हम दे दिए हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, किसी भी एग्जामिनेशन में यह कामयाब करेगा और दिमाग का बत्ती खोलेगा। और केवल ये स्टूडेंट के लिए नहीं बल्कि स्टूडेंट के लिए तो है ही, स्टूडेंट के साथ साथ उसके गार्डियन के लिए, सभी लोगों के लिए है। बिजनेस स्टडी जो कर रहे हैं, जो बीकॉम कर रहे हैं, जो एमकॉम कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, किसी प्रकार के बिजनेस स्टडीज कर रहे हैं, चाहे वह माइक्रो मैक्रो स्ट्रेटेजिक्स, किसी प्रकार का बिजनेस ट्रेनिंग, मोटिवेशनल सेमिनार कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं या डॉक्टर इंजीनियर, सभी के लिए यह टॉपिक उतना ही इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स का ज्ञान। क्योंकि इकोनॉमिक्स का ज्ञान जिसके पास होगा वही होगा जिंदगी में फिर कामयाब, और इकोनॉमिक्स का ज्ञान ही उसे कामयाब करके छोड़ेगा। क्योंकि इकोनॉमिक्स का ज्ञान दिमाग का बत्ती खोलता है, और इकोनॉमिक्स का ज्ञान नहीं रहेगा तो दिमाग का बत्ती खुलने वाला नहीं है। दिमाग बड़ा रहने से दिमाग नहीं होता है, दिमाग को विकसित करना पड़ता है। बहुत सारे लोग इस बात को नहीं मानेंगे, उसको मनवाया भी नहीं जा सकता है, उसको छोड़ दिया जाना चाहिए, क्योंकि उसके जिंदगी ही रहा है घटिया स्तर में रहने के लिए, नीचे रहने के लिए, वो नहीं मानेगा। लेकिन जो समझदार व्यक्ति है खुद समझेगा और अपने समझदारी को विकसित करेगा, दिमाग का ढक्कन हमेशा खुला रखेगा, जानने समझने के लिए नए बातों को ग्रहण करेगा, आधुनिक बात जो अच्छे बात है उसको ग्रहण करेगा, अच्छे विचारों को
ग्रहण करेगा, उस अपना व्यवहार को चेंज करेगा, फॉलो करेगा, अपने जीवन को उन्नत करेगा। लेकिन कुछ घटिया सोच के लोग ऐसे भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे आधुनिक नया विचार जो बहुत घटिया है, जो दुष्प्रभाव डालेगा, उसको ग्रहण कर लेंगे। तो विचार को भी विचार इसलिए नहीं अच्छा है कि वह पुराना है, या कोई विचार इसलिए नहीं अच्छा है, आइडिया स्टाइल अच्छा इसलिए नहीं है कि वो नया है, या इस बात पर डिपेंड करता है कि उसको अपनाने के बाद परिणाम क्या होता है, अच्छा या बुरा। अगर परिणाम अच्छा होता है तो पुराने विचार को भी अपना सकते हैं और नए विचार को भी अपना सकते हैं। परिणाम बुरा है तो नए विचार को भी नहीं अपनाना चाहिए और पुराने विचार को भी नहीं अपनाना चाहिए, चाहे किसी भी किताब में, किसी भी धर्म में, किसी भी पंथ में, किसी भी फिलोसफी में लिखा है। यही है मार्ग भारत के लिए, भारत को सुपर पावर बनाने के लिए। भारत सुपर पावर बनने के मार्ग में लग चुका है भारत के बहुत सारे इस प्रकार के सपोर्ट और लोग इस देश को सुपर पावर बनाने के मुहिम में लगे हुए हैं। और इसी क्रम में पीपल वेलफेयर फाउंडेशन और एक स्टडी सेंटर काम कर रहा है, और अशोक सर भी आप लोगों के लिए, विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए, कामयाब बनाने के लिए, विद्यार्थी को झकझोरने के लिए, विद्यार्थी ऐसे विद्यार्थी जो सो रहे हैं, मुर्दे की तरह सो रहे हैं, उसे झकझोर के जिंदा करने के लिए, उसे जिंदा करने के लिए तत्पर है और दिन रात कर रही है। पीपल वेलफेयर फाउंडेशन का काम है इस देश के सारे विद्यार्थियों को सक्सेस करना, उसके साथ इस देश के सारे लोगों को कामयाब बनाना।